हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे अपडेट मेथड। दिस मेथड इज़ यूज टू अपडेट द डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर। सिंटेक्स है की डिक्ट का नाम, यानी कि डिक्शनरी का नाम लिखना है जिसको आपको अपडेट करना है, डॉट अपडेट लिखना है और यहाँ पर एक इटरेबल ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा stu डॉट अपडेट और रिटर्न पैरेंथेसिस मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी दिया है जिसमें एक की है और एक वैल्यू है। की है 105 और उसका वैल्यू मैंने लिखा है गुपचुप। तो इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। ये हमारा अभी का डिक्शनरी है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं। मुझे एक नया अपडेट करना है, सो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपडेट मेथड। तो कैसे यूज़ करना है, पहले आप लिखिए डिक्शनरी का नाम, डॉट लिखिए, उसके बाद आप अपडेट लिखिए, देन यहाँ पर आपको एक इटरेबल ऑब्जेक्ट लिखना है। 104 मेरा की बनेगा और इसमें बनेगा मेरा पाइथन इसका वैल्यू। देन ये हम लोग करेंगे सिंपली, अभी हम लोग प्रिंट कर देंगे। सो मैंने क्विकली कोड लिख दिया कि अपडेटेड डिक्ट और अपडेट होने के बाद एसटीयू में क्या है एलिमेंट्स वह दिखेगा, देन इसका आईडी भी दिखेगा। ये हमें अपडेट होने से पहले का आईडी दिखेगा दिखाएगा और ये हमें अपडेट होने के बाद का आईडी दिखाएगा। इसको हम लोग सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको हम लोग करेंगे रन। सो देखिए, इस कोड से हमारा ये वाला डिक्शनरी बना, इस कोड से हमें दिखाई दे रहा है ओरिजिनल डिक्ट, इस कोड से हमें ओरिजिनल डिक्ट में मतलब एसटीयू में जो भी डिक्शनरी का एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट दिखाई देते हैं। इस एलिमेंट का क्या आईडी है वह हमें आईडी दिखाई देता है। देन हमारा एक अपडेट हो रहा है 104 नया की वैल्यू का पेयर, जिसके बाद हमारा ये हमारा डिस्प्ले हमें दिखाई दे रहा है। देन इस एसटीयू में अपडेटेड एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 104 पाइथन हमें देखने को मिल रहा है और इसकी आईडी यानी कि अपडेट होने के बाद एसटीयू की आईडी ये है। आप देखेंगे कि दोनों की आईडी बिल्कुल सेम है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि नया ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है अपडेट होने के बाद। सेम ऑब्जेक्ट यानी कि जो इसका था वही इसका भी ऑब्जेक्ट है और दोनों की आईडी बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे एक नहीं करना है, क्योंकि एक करने के लिए तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको मल्टीपल की वैल्यू के पेयर अपडेट करने हैं। तो कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ने में आसान हो इसीलिए हम लोग एक यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं। एक्चुअली ये वेरिएबल नहीं, ये हमारा एक डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी को फिर हम लोग बाद में अपडेट कर देंगे अपने पुराने वाले डिक्शनरी में। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस बार स्ट्रिंग लेता हूँ नेम, और नेम है इसका क्या राहुल, इन कॉमा देकर सेकंड एलिमेंट जो कि है एड्रेस और इसका वैल्यू है रांची, कॉमा देकर हम लोग इसमें एक इंटीजर देते हैं 105 और ये हमारा है ये किस, बस ऐसे ही रैंडमली मैंने लिख दिया ताकि आपको सब कुछ पता चले कि स्ट्रिंग तो सिर्फ स्ट्रिंग नहीं इंटीजर भी हो सकता है, इंटीजर सिर्फ इंटीजर ही नहीं स्ट्रिंग भी हो सकता है। सो इतना लिखने के बाद आपको सिंपली ये जो वैल्स आपने लिखा ये यहाँ पर आपको लिख देना है, इसको हटाइए और यहाँ पर वैल्स लिख दीजिए। अभी क्या होगा, अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। तो इसको हम लोग करते हैं सेव, सेव करने के बाद इसको करेंगे रन। तो इसको कर दिया रन और देखिए आपको सारे के सारे एलिमेंट्स अपडेट होकर मिल जाएंगे आपके पुराने वाले में। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, अपडेट होने से पहले हमारे पास ये एलिमेंट्स थे, अपडेट होने के बाद हमारे पास ये एक नया एलिमेंट आया, ये एक नया एलिमेंट और एक ये नया एलिमेंट हमारे पास हमें देखने को मिलता है। सो गाइस, इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट अपने डिक्शनरी में। जैसे मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी को ही अपडेट किया है। ये होता है अपडेट मेथड का यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।